अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांडी सोफिया कुकिंग शो में दा सब खैरियत सा हुंदा। जे के रेसिपीज ठायूं पिया ताहाजी फरमाइश जे मुताबिक ठाईंदा आयूं। अज ठायूं पिया वेजिटेबल जी रेसिपी ब आइन छकण त काफी इनजी फरमाइश भी अचे पई। आइ खासकर नाहिद खान हैदराबाद का कॉल कई हुई के लौकी डिफरेंट तरीके से ठाइन सिखारियो। लौकी दाल ठहंदी है काफी तरीके से, लेकिन मां ठाए पियो अचारी दाल लौकी। उन सां गॾु शिमला मिर्च आलू जी भाॼी ठहंदी, छाकाणि त वेजिटेरियंस फैमिलीज़ जो बि ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे। त इहे रेसिपी सुबुह जो 11:05 ते रिपीट हलंदियूं। कुकिंग विद शेफ एसएल जो पेज आहे, हुते रेसिपी अपलोड थी वेंदी आहे। ऐं हुन नंबर ते तव्हां मूंखे मैसेज करे सघो था। लास्ट ब्रेक में असां तव्हांखे रिप्लाई कंदा आहियूं। अॼु की जो रेसिपीज़ बना रहे काफ़ी अब की वैरायटी जो है सारी फरमाइश के मुताबिक बनाता आया हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि वेजिटेबल पे आते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन फैमिलीज़ भी हमारी हैं तो वो भी देखती हैं, वो भी लाइक करती हैं। और हर सीज़न के हिसाब से जो वेजिटेबल्स आ रही हैं हमें चाहिए कि उनको यूज़ करना चाहिए। और आज हम बना रहे हैं आलू, शिमला मिर्च, ठीक है। और नाहिद खान आपने हैदराबाद से मुझे कॉल की थी लौकी की कोई यूनिक सी रेसिपी बनाना सिखाएं। लौकी दाल बना रहा हूँ, लेकिन अचारी लौकी दाल बना रहा हूँ। वैसे तो लौकी दाल की भी काफ़ी सारी वैरायटी है, नोट करते जाइएगा, साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लौकी और दाल, ठीक है। दाल असां खणंदासीं, हिकु पाउ भी खणी सघो था, ॿ कप भी खणी सघो था। हुनखे पूरी राति पिसाए, सॉरी हिकु कलाकु पिसाइजो। हिकु कलाकु पिसाइण खां पोइ हुन पाणी में, जंहिं पाणी में तव्हां पिसाईंदा आहियो, पहिरीं त ॿ दफ़ा धोइण खां पोइ हुन पाणी सां गॾु हिनखे बॉयल कजो। स्टील जो चमचो कॾहिं बि न हलाइबो आहे बॉयल कंदे महिल, न को लूणु विझिबो, सादी या बॉयल थींदी, पाणी जो ख़ुशि करे वठिजो, ठीकु आहे। लौकी के लिए जो दाल हमने चने की दाल ली है, 2 कप जितनी चने की दाल या 1 पाव आप लेंगी, उसे आपने भिगोना है 1 घंटा, 2-3 दफ़ा वॉश करने के बाद 1 घंटा भिगो। उसी पानी में इसको बॉयल करें और पानी इतना रखें, अगर 1 पाव डालें तो 2 ग्लास पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हल्की आंच पर छोड़ दें, स्पून बिल्कुल ना चलाया करें। वुडन स्पून चला सकती हैं, लेकिन आप स्टील का स्पून कभी ना चलाएं, उससे दाल नहीं गलती, ठीक है, चने की खासकर। और उसके बाद जब दाल गल जाएगी हल्की आँच पर छोड़ दें, फिर उसका पानी फुल आँच करके आपने ड्राई कर देना। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको आपने निकाल देना, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 किलो लौकी है, 1 पाव भी ले सकते हैं, क्वान्टिटी आपके ऊपर है, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। मैं 1/2 किलो लौकी है और 2 कप दाल है, ठीक है। 1/2 किलो लौकी है, 1 कप दाल है, ये खाला मुझे छील के आप दे दें जब तक मैं मसाले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये आप मुझे छील के दें, मैं खुद इसकी कटिंग करूँगा। अच्छा, लौकी की जब तक हम खाला हैं ये छील के दे रही हैं, 1 अदद प्याज लेंगे, ठीक है। 1 अदद बसर खणंदासीं, ऐं बसर के असां हाफ स्लाइस कटिंग कंदासीं, ठीक आहे। बिल्कुलु सिंपल अचारी मसाला जेके आहिनि हुनमें असांखे छा छा खपे। अचारी मसालनि में असां विझंदासीं राई, कलौंजी, मेथी धाणा, उड़बे जा जेका ॿिज हूंदा आहिनि, ठीक आहे। कलौंजी जेको हूंदो आहे उहो बसरी जा ॿिज हूंदा आहिनि, बसर जा ॿिज कलौंजी चइबो आहे, ठीक आहे। ऐं हुन सां गॾु कढ़ी पत्ता वेंदा, सौंफ वेंदा। अगरि इहे न आहिनि तव्हां वटि अवेलेबल त अचार जो जेको मसालो खटाइण लाइ असां वठी ईंदा आहियूं उहो विझी सघो था, ठीक आहे। उहो बि तव्हां 2 खाइण जा चमचा विझंदो, लेकिन हुन सां गॾु पोइ ॻाढ़ा मिर्च हैड असां इहो न विझंदासीं, सिर्फ़ उहो अचारी मसालो विझंदासीं। कढ़ी पत्तो ऑप्शनल आहे, अगरि तव्हां वटि ईज़ीली मिली थो वञे त विझिजो, अदरवाइज़ नथो मिले त पोइ न विझिजो, ठीक है। कढ़ी पत्ता ऑप्शनल है, वैसे कड़ी पत्ता कराची में तो मिल जाता है, सखर वगैरह में इस साइड पे भी मिलता है, लेकिन कम। अगर आपको मिल जाए उसको ड्राई करें, धो के उसको छन्नी में रख दें, स्टैंडर में, और धूप में रख दें, सारा दिन पड़ा रहे या पंखे के नीचे रख दें, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जिससे पुदीना सुखाते हैं। शॉपर में भर के इसको रख दें कैबिनेट में, ये 1 महीने तक 2 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकती हैं, फिर दोबारा लेके, या शहर में कोई कराची में रहता है तो आप वहाँ से मंगवा सकती हैं। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक अदी, कह रहे हैं किथां गलायो पिया? जी कुछ चैन चाहिंदो? कुछ चैन चाहिंदो अदी? मेहरबानी तमाम घणी। जी बिल्कुल कयो अदी। हा ठीक आहे, गजरुनि जो हलवो ठाहिणो आहे, छाकाणि त हाणे गजरूं अचणु शुरू थियूं आहिनि, थोरियूं मिठियूं अचनि नवंबर में, नवंबर जे विच में पोइ इहो सीज़न अची वेंदो गजरुनि जो सुठो। पोइ काफ़ी सारी वैरायटी आहे गजरुनि जो अचार, सॉरी गजरुनि जो जेको हलवो आहे 2-3 क़िस्म जो उहो ठहंदो आहे, त मां तव्हांखे ठाहिणु सिखंदमि, ठीकु आहे। हलो, ओके। अच्छा, यहां पे हमने क्या लिया, हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल लिया, ठीक आहे, 1/2 प्याली ऑयल वरितो। हिन में असां विझंदासीं लौंगी मिर्च, अगरि लौंगी मिर्च आहिनि त उहे विझिजो, न त इहे ड्राई मिर्च आहिनि ॻाढ़ा, हिन टाइप जा ई मिली था वञनि मार्केट में, ठीक है। 5-6 अदद ये ड्राई मिर्च हैं, साबित लाल मिर्च है तो वो आप ले लें, अदरवाइज़ आप ये ले सकती हैं ड्राई मिर्च, 6 अदद में ये डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हमने डालनी है, वरना साबित लाल मिर्च आपने डाल देनी है, ठीक है। ये 6 डाली, भगार बना रहे हैं,
इसके साथ हमने इसमें क्या डालना है, इसमें हमने डालना है कड़ी पत्ता, 8 अदद या 10 अदद कड़ी पत्ते डाल दें। कड़ी पत्तो भयो, लौंगी मिर्च भया, ठीक है, हाँ हाँ भैया। उन का पोइन में छा विझंदासीं, मेथी धाणा, मेथी जो धाणा होंदा आहिनि, हुरबे जा बिज भी चइबो आहे, ठीक है, इहो असां विझंदासीं अधु चांहि जे चमचे खां घटि, 1/4 टीस्पून। मेथी के दाने जो होते हैं ये 1/4 टीस्पून डाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ये कड़वे होते हैं और फिर वो जलना शुरू हो जाते हैं तो फिर मुँह में आ रहे होते हैं, बस हमें फ्लेवर देना होता है। हल्की आंच पे ये मसाला आपने डालना है जब कड़ी पत्ता और साबित लाल मिर्च का भगार आ जाएगा, ठीक है। कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, ठीक है। सौंफ 1 से 1.5 चाय का चम्मच, सौंफ ज़्यादा अच्छे लगते हैं मसाले में अचारी। इसको हल्का सा भगार करें, खुशबू आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें डालना है 1 अदद प्याज, हाफ स्लाइस कटिंग करके डाल दें या ऑमलेट की तरह चॉप करके डाल दें, ठीक है। 1 अदद प्याज चला गया और प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे, उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच। कॉल भी उठूता, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नूर बात कर रही हूं कराची से। जी क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूं। जी कुछ कहना चाहेंगी? जी वो आपने ब्राउनी बनाई थी उसकी तरह रेसिपी कर रही हूं। आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, क्या कह रही, क्या बनाई थी आपने? ब्राउनी बनाई थी। ब्राउनी बनाई थी जी? जी उसकी रेसिपी रिपीट कर दूं। रेसिपी रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ टाइम मिलेगा लास्ट ब्रेक में मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम क्या लेंगे, ब्लेंडर, ब्लेंडर में 2 अदद टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। 2 अदद टमाटर जो पेस्ट इनमें विंदो वरी बुधाई तो छना, अध प्याली कुकिंग ऑयल खाओ, ठीक है। टमाटर अध प्याली कुकिंग ऑयल खाओ, इनमें लौंगी मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ता 8 का 10, अगर कड़ी पत्ता नाइन तो पुना विझो, ठीक है, कड़ी पत्ता 8 का 10 विझी छो। सा गड दाग ठो उनमें विझंदी राई 1 चाय जो चमचो, कलौजी 1 चाय जो चमचो, सौंफ 1.5 चाय जो चमचो, ठीक है। मेथी दाणा 1/2 चाय जे चमचे का घट विझंदो, ठीक है। अछो जीरो 1 चाय जो चमचो, ये शयू विझी जो हल्को सो दाग ठो, उनका 1 गंढ बसर जी हाफ स्लाइस कटिंग करे या ऑमलेट वगैरह कटिंग करे वो विझंदो। पानी आपने नहीं रखा यहाँ पे? अच्छा थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, 3-4 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। पानी बिल्कुल, पानी ला दे मुझे, 3-4 टेबल स्पून हमने पानी डालना है इसमें और इसका बना देना है पेस्ट, ठीक है। आधी प्याली ऑयल गरम किया, उसमें हमने साबित लाल मिर्च डाली और उसके साथ जो भगार बनाया कड़ी पत्ते का और जो इसमें साबित मसाले अचार के डाले उसमें हमने डाला राई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच जी, सौंफ 1.5 चाय के चम्मच, मेथी दाना 1/4 टीस्पून डाल के भगार किया, उसके बाद 1 अदद प्याज डाला। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लाइट सा सौते करना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 चाय के चम्मच, भून रहे हैं। अब टमाटर का पेस्ट जाएगा, 2 अदद टमाटर का पेस्ट। कॉल बैठ होता है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सरोज बात कर रही हूँ कराची लियारी से। जी क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ कहना चाहेंगी? जी मुझे पिज्ज़ा बनाना सिखाएं। पिज्ज़ा तो मैंने अभी बनाए थे, तवे पे भी बनाना सिखाया था लास्ट मंथ, आपने शायद मिस कर दिया होगा प्रोग्राम या देखा नहीं होगा। जी हमारे चैनल नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं अब 1-2 वीक आप वेट करें, फिर वो किड्स वीक आ रहा है तो उसमें मैं मिनी पिज्ज़ा बनाऊंगा, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आप कौन से एरिया से बात कर रही हैं कराची के? लियारी से। लियारी से अब आ रहा है आपके पास चैनल? जी अब चैनल आ रहा है आपके पास? जी अब आ रहा है। चलें ठीक है, मैं बना दूंगा, 1 या 2 वीक में हम किड्स वीक करेंगे उसमें मैं पिज्जा बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे हमने मसाला भूनना है, टमाटर डालें अभी और कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ठीक है। टमाटर जो पेस्ट भी दुआ खुशबू अचैन में चंगी ये अचारी लौकी ठह पाई, ठीक है। अचारी लौकी बन रही है, इसको पकने देते हैं। जब तक हम इधर लौकी को इस तरह कटिंग करना है, ठीक है, क्यूब्स में कटिंग करना है, लंबाई में कटिंग करने के बाद इसके 4 पीस इस तरह करके फिर आप इसके क्यूब्स बना दें, ठीक है। बहुत बड़े पीस भी ना हो, बहुत छोटे पीस भी ना हो, ऐसे हो कि वो बिल्कुल अच्छे लगें देखने में, ठीक है। अब इसके क्यूब्स दरमियाने साइज़ के 1-1 इंच के इस तरह बना दें। अचारी लौकी बहुत मज़े की बनती है। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बात कर रहा हूं आपसे। सॉरी मैं भी जी जी महविश, क्या हाल है आपके? मैं भी बात कर रहा हूं आपसे। जी जी क्या हाल है आपके? कौशल भाई कल के कोफ्ते तो बड़े जबरदस्त बने थे, आपने ट्राई किए? जी जी मेरे रात के खाने में बनाए थे। अच्छा चलो ठीक है। जी कौन सी फरमाइश करनी है बताइए जरा। जी खालिद भाई छापे चन चने की दाल की खीर। चने की दाल तो आज बन रही है लौकी के साथ, आप देख रही हैं? जी आपकी आवाज बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है, हिते आवाज बिल्कुल मुझे समझ ना पे चन जी। हाँ अलाई छापे चो पीसी लाल हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, हेड पीठल एक चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, पीसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच, पीठल दाणा व चाय जो चमचा ठीक है, आई लूण आधे चाय जो चमचो या हसबे ज़रूरत ठीक है, नमक आधा चाय का चम्मच या हसबे ज़रूरत, चाट मसाला हम इमली में मिला के डालेंगे ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चाय का चम्मच चाट मसाला डालेगा, मसाला भूना, मसाला भूनने के बाद हमने क्या करना है, जो लौकी हमने कटिंग की हुई है पूरी लौकी इसके अंदर जाएगी, डेढ़ पाव से आधा किलो जितनी लौकी पहले से काट के ना रखा करें वो काली पड़ जाती है ठीक है, या तो पानी में डिप करके रखें, लौकी को हल्का सा भूनेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, फिर इसके बाद बॉयल जो दाल रखी वो डालेंगे। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। चने का साग होता है, पल्ली का साग। पल्ली का साग सिंध में होता है ना, ये लड़का ने गरम में। जी 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 बिल्कुल, अब सीजन आ जाए, अभी आजकल में सीजन आ जाएगा, सर्दियां आ रही हैं तो मैं जरूर बनाना सिखाऊंगा, फिश के साथ भी बनाएंगे पल्ली का साग और चने की दाल के साथ भी बनाएंगे ठीक है। मछली के साथ भी बनता है ना? मछली के साथ है, मछली के साथ ही बनाऊंगा मैं। किसके साथ आपने खाया? मेहरबानी आप बनाए ना, जरूर सिखाना ये इंशाल्लाह, बस ये थोड़ा सीजन आ रहा है तो इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे लौकी को हमने भूनना है ठीक है, लौकी को भूनते रहे अच्छी तरह, इस बाहर चला गया। लौकी भूनने के बाद हमने इसमें क्या डालना है, इसमें हमने डालनी है दही ठीक है, लौकी को भूने, लौकी भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे दही 4 टेबल स्पून, 4 खाने चम्मच दही बिंदी ठीक है, 4 खाने के चम्मच दही डाली, दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, दोबारा रिपीट भी कराऊंगा ठीक है। चणन जी दाल बॉयल तकरीबन बॉयल थी ही, 3 कप थी वी, 2 कप हूँ कच्ची बॉयल थी, 3 कप या 4 कप भी ठही सके थी ठीक है, अगर वधी करना चाहो तो करे सको था, 1 पात आई थी मसाला सागया हूँ ठीक है। चने की दाल डाली इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे इमली का पल्प गाढ़ा सा ठीक है, इमली का पल्प बल्कि यहीं रखते हैं, ये 4 टेबल स्पून इमली का पल्प है क्योंकि अचारी लौकी तो इसमें इमली जाएगी ठीक है, इसमें हम भर के डालेंगे, इतना भर के डालें 1 चाय का चम्मच या 1.25 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय के चम्मच चाट मसाला ठीक है, ये इसमें डाला मिक्स किया और ये भी आपने डाल देना है ठीक है। जी कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो वालेकुम सलाम। जी कह रहे हैं कितना गलाओ प्या? हेलो कॉल कंदा हो, मेहरबानी करे टीवी के डिसी नग लाइंदा कयो या बे रूम में वनी गलाइंदा कयो या टीवी जो वॉल्यूम बंद कंदा कयो ठीक है। हाँ यहाँ पे इमली का पल्प डालना, इमली का पल्प डालने के बाद हमने 1 प्याली इसमें पानी डाल देना और इसको दम पे रख देना है ठीक है, ये 15 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे ताकि लौकी हमारी गल जाएगी, उसके बाद हम इसको भून के निकाल देंगे, हरा धनिया डाल के बटू तक शॉर्ट ब्रेक कर देना, जो ब्रेक का पहुंची रेसिपी कंटिन्यू कंदा से।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका दाल लोकी आहे उहो तयारु थिए पई। ठीकु आहे, दाल लोकी तयारु हो रही है और उसको मैंने कवर कर दिया था। एक से डेढ़ प्याली पानी डालना है, यानी एक कप जितना पानी डालेंगे उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टीम पे लोकी गल जाएगी। दाल हमारी बॉयल है, बाकी मसाले हमने भून लिए थे। अब हम बनाएंगे शिमला मिर्च आलू। ठीक है, शिमला मिर्च आलू के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा सा भून रहा हूँ, लास्ट में डालते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने आलू लेने, दो बड़े आलू या तीन दरमियाने साइज़ के आलू ले लेने। आलू को हमने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब्स में कटिंग करनी है, उसके बाद बॉयल करके पानी ड्राई कर लें। ठीक है, टे अदद आलू खणंदासीं, पटाटा या ॿ वॾा खणी वठिजो, उनखे क्यूब्स में कटिंग करे हिन साइज़ में, पोइ उनखे बॉयल कजो। बॉयल करण खां पोइ हिते ई मां ज़ीरो बि लाइ छॾियां। ठीकु आहे, बॉयल करण खां पोइ छा कंदासीं, कढी वठिजो। ठीक आहे, हिते शिमला मिर्च आहिनि टे अदद दरमियाने साइज़ जा, हिकु गंढ बसर वेंदी ऐं बाक़ी मसाला हिन में छा वेंदा, हैड ॻाढ़ा मिर्च ऐं हुनजे अलावा लूणु ऐं कुटियल ॻाढ़ा मिर्च। ठीक आहे, ऐं थोरो सो गरम मसालो वेंदो, अछो ज़ीरो वेंदो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिड़ा हाल ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाकु। अदी कहिड़े, किथां अदी नगमा ॻाल्हायो पिया? अच्छा, तव्हांजी आवाज़ मिलंदी आहे काफ़ी हुननि खां न, छा हाल आहिनि तव्हांजा? बिल्कुलु ठीकु ठाकु अदी, बिल्कुलु हुकुम कयो। छाजो अदी? कढ़ी, कढ़ी पकौड़नि वारी कढ़ी। अच्छा ठीकु आहे, हुनजी फरमाइश अचे पई, मां हाणे ॾिसो नेक्स्ट वीक पोइ ठाही थो ॾियां तव्हांखे। ठीकु आहे, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, हिते हिकु गंढ बसर खणंदासीं। ठीक है, यहाँ पे हमने लेना है एक अदद प्याज। शिमला मिर्च और आलू बनाएंगे, बहुत मज़े की भुजिया बनती है। ठीक है, इसके लिए हमने सिर्फ इसमें मसाले क्या जाएंगे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला दो पिंच जितना। ठीक है, और उसके साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या सिर्फ लहसुन का पेस्ट आप थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ हमने प्याज ले लेना है, एक छोटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं जाएगा इसमें, एक नंडो बसर। टमाटो इनमें ना विझबो, इनमें सिर्फ दही विंदी, बखर ट्रे खाइण जा चमचा बस। ठीक है, यहाँ पे ऑयल गरम करेंगे। सेकंड रेसिपी, 6 टेबल स्पून पैसिफिक, और सॉरी 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 6 टेबल स्पून वेजिटेबल्स में ऑयल हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते। उसमें दाल थी और थोड़ा अचारी मसाला था, दही जा रही थी, इमली जा रही थी, टमाटर का पेस्ट था, इसलिए आधी प्याली डाला। इसमें हमने डाल देना 6 टेबल स्पून। ठीक है, ऑयल डाला 6 टेबल स्पून, यहाँ पे ऑयल गरम होगा। इसमें हमने प्याज डाल देना एक अदद, हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ। ठीक है, एक अदद बसर विंदो, इनके हल्को सो गुलाबी कंदासी, जेस ताईं असां हिते शिमला मिर्च जी कटिंग कयूं था। ठीक है, शिमला मिर्च की क्यूब्स बना देने, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये रेसिपी, क्योंकि आलू हमारे बॉयल हैं और शिमला मिर्च को हमने हल्का सा सौते करना है, नरम करना है, ये ज़्यादा बिल्कुल डार्क हो जाती हैं ज़्यादा पकाने से, तो क्रंची जिस तरह होती है, गली हुई भी हो और कलर भी इसका ख़राब ना हो, इस तरह पकाया करें। ठीक है, इस तरह की वेजिटेबल्स, इस तरह जिस तरह आलू कटिंग किए हुए, इसी तरह हमने इसको क्यूब्स में कटिंग कर देना है। वाइट वाला पार्ट भी ज़ाया ना किया करें, चाइनीज़ वगैरह में तो हम डालते हैं वो ज़ाया कर देते हैं, लेकिन इस तरह की सब्ज़ियों में ज़ाया ना किया करें, ये भी टेस्टी होती है और इसमें विटामिन सी होता है, तो ये यूज़ किया करें। शिमला मिर्च आप लोग हर खानों में, मिक्स वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च कीमा बनता है, शिमला मिर्च की काफ़ी सारी वैरायटी बनती है, सैलड में भी लोग खाते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग नहीं खाते, लेकिन खानी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, विटामिन सी होता है इसमें भी। इस तरह आपने नॉर्मल क्यूब्स कटिंग कर देने, जिस तरह आलू है हमारी कटिंग की हुई। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, बसर के जॾहिं भाजी ठाहींदा आहियूं त बसर जो कलर हमेशा लाइट हुजणु खपे। हल्को सो हुनखे घुमाए था वठूं, ॿियो ख़ुशबू अची वञे उनखां पोइ हिनमें थूम जो पेस्ट विझंदासीं। ठीकु आहे, उसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा, इहो बि शिमला मिर्च, चार चार पीस करूं छोटी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया, इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा एक चाय का चम्मच, या कुटा हुआ लहसुन डाल दें। ठीक है, एक चाय का चम्मच ही डाल दिया, फिर डालेंगे ज़ीरा एक चाय का चम्मच, अच्छो ज़ीरो एक चाय जो चमचो। ठीक है, 6 खाण जा चमचा ऑयल गरम कयो, बसर एक गंढ नंढी हाफ स्लाइस कटिंग करी, हल्की गुलाबी कई, थूम कुटियल भी छजो, पेस्ट भी छजो एक चाय जो चमचो। हाँ, नाहिद खान हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आज? हाँ,
हेलो जी जी बिल्कुल बताइए। अभी आप कड़ी की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, गोश्त की कड़ी जो होती है ना, चिकन कड़ी। कड़ी कड़ी क्या कह रही हैं? है पकौड़ों वाली कड़ी होती है ना, तो एक गोश्त वाली कड़ी भी होती है। बेसन की कड़ी कह रही थी वो? हाँ हाँ बेसन की कड़ी, गोश्त के साथ। गोश्त के साथ? हाँ ठीक है ठीक है। पहले पहले मैंने बनाई थी कोफ्तों के साथ, ठीक है। इस दफा हम गोश्त के साथ बन। चिकन के साथ चाहिए आपको या बीफ के साथ चाहिए? मेरा ख्याल चिकन बेहतर रहेगा। चिकन? हाँ चले ठीक है, चिकन के साथ बना लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक रखते हैं कड़ी। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, आज थोड़ा मसला है लाइन में मेरे ख्याल में ना। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे हमने क्या डाला, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और नमक आधा चाय का चम्मच, ठीक है। पहरी पानी विधो, जडे दाग ठही वियो बसर जो थूम जो जीरो विधो, ठीक है। उनका पानी में इनमें विधो, टे का चार खंड जो चम्मच, छाकाण तो मसालो डायरेक्ट ऑयल में विझंदा आहियूं सड़ी वेंदो आहे। उनका पोइ मछा विधो कुटियल गाढ़ा सॉरी कुटियल गाढ़ा मिर्च, पीठल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, आई हम सागर हेड अध चाय जो चमचो, ठीक है। मसालो भुने छो, हाँ इनमें मैं विझा पो दही टे खंड जो चमचा, ठीक है। तीन खाने के चम्मच दही डालो, टमाटर नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। शिमला मिर्च की सब्जी बना रहा हूँ, आलू शिमला मिर्च, आलू हमारे बॉयल हैं। दही को हल्का सा भूने, दही भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देनी है शिमला मिर्च कटिंग की हुई, ठीक है। दो से तीन बड़े शिमला मिर्च, इसको हल्का सा पकने दें, नरम होने लगेंगी फिर हम इसमें आलू डालेंगे क्योंकि आलू हमारे बॉयल हैं, ठीक है। इसको अभी नरम होने देते हैं, तीन चार मिनट तक इसको पकने देते हैं और इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तीन से चार मिनट के लिए बस इसका कलर चेंज होने लगेगा, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा भून लिया था, सफ़ेद ज़ीरा भी लास्ट में जाएगा, उसको फिर कूट के आपने डालना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये रेसिपीज़, भी हटा देते हैं। गर्म मसाला मैंने रखा हुआ, थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा लाइट सा, ठीक है। गर्म मसाले से क्या होगा, इसमें हल्का सा फ्लेवर आएगा और हरा धनिया हरी मिर्च लास्ट में डालेंगे, ठीक है। हे भाई रेसिपीज़ आई इनशाला नेक्स्ट वीक आप होने का बाद जो मैं चाहूँ पो कि नवंबर जो मिड में या नवंबर जो सेकेंड वीक रखासी बारन जिला जो किड्स वीक क्यों पाँ हिंसर मिड टर्म हलन पे एग्जाम्स हलन पे सभी जहाँ तो सुनो बार एग्जाम्स का फारिग थी वन, काफ़ी सारी फैमिलीज मुझे चवन पे मैसेज कन पे तो उनमें सेलेक्ट कंदी बार जो पे कंदा जो वेझो हों अची सन ईजीली उनके लाइनअप कराइंदी। यो ना थे तुम परे का चो पे शहर का ना पहुंची सो इतने प्रोग्राम भी होंगे तो अगर या तो तुम कराची पैर का अची वनो, ठीक है। एक ढी पैर अची वो ताकि परेशानी आती है। तीन से चार मिनट इसको देखें, कलर अब चेंज कर रही है शिमला मिर्च, थोड़ा और इसको पकाएंगे, ठीक है। इस तरह स्पून चलाते रहें, शिमला मिर्च तीन से चार मिनट में कलर चेंज कर देती है। यहाँ पे लौकी हमारी हल्की आँच पे पक रही है, लौकी की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार है, अचारी तरीके से बना रहा हूँ। वैसे लौकी दाल हम डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, और भी काफ़ी सारी वैरायटी है। फिर अब लौकी का भुरता बनता है, रायता तो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, अब गर्मियों का सीज़न आउट हो रहा है, लौकी का हलवा बनाएंगे। लौकी का हलवा भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। खोया मैंने आपको बनाना सिखा दिया काफ़ी दफ़ा, कंडेंस मिल्क की चीज़ें सब बना दी हैं। कल भी मैंने जिस परसों वो मीठा बनाया था उसके साथ कलाकंद बनाई थी, कंडेंस मिल्क से मैंने शुरू किया था ताकि ये चीज़ें आप लोग सब सीखते जाएँ। जैसे कंडेंस मिल्क आपको सिखाता हूँ साथ ही, और उसके साथ हमने खोया बनाना सिखाया था आपको। जी कॉल बट हूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आदा? बिल्कुल ठीक ठाक अदी, तां बुधायो चालन? अल्लाह जो शुक्र आ, तां मजे गलाइन ते भुजी पियो ना? बिल्कुल सेम तहां जेडी आवाज तहां वांगर गलाइंदियो न ओए अदी भी, त मां बटे दफा ही मके थियो है। मछी से बस हाँ बीक बो ही नवंबर के मिड में जैसे सियारे जो खादा स्टार्ट कंदी ना तो उनमें पनीर साग जरूर ठाई जो मच्छी में ना मच्छी में ना हां तो सब खैर आता हां इंशाल्लाह सबनी जो फरमाई शुक्र करदा सी जी के गला है जो कल जगह याद कर न कर जी अदी कहां आता छापे चो अल्लाह हाफिज़।
मां जे लॻे थो मां बोड़ो थी वियो आहियां। अच्छा ठीकु आहे, हिते शिमला मिर्च असांजी नरम थी वई। ठीकु आहे, शिमला मिर्च अब देखे इसका कलर पहले डार्क था, अब लाइट हो गया। अब इसको हल्का हल्का भूनते रहेंगे, इस तरह एक मिनट तक भूनते रहें। इसके बाद हमने क्या करना है, बॉयल आलू डाल देने। हाणे पटाटा जो बॉयल थियल हुआ, क्यूब्स में कटिंग थियल हुआ, ये पटाटा मुन में विधा, ये कंदासीं मिक्स। तमामु बहितरीन ही भाॼी आहे, ॿारनि खे सिर्फ़ु पटाटा खाईंदा आहिनि ॿार या तरे ॾींदा आहियो, त इहे रेसिपीज़ ॿारनि जे लाइ बि तमामु बहितरीन आहिनि। शिमला मिर्च आहे, गजर आहे, गजर जा पीसिस करे उहे बि विझी छॾियो, बॉयल करे बि विझी सघो था पटाटनि सां गॾु। काफ़ी सारी अहिड़ी वेजिटेबल्स आहिनि, इहे मिक्स करे ठाहींदव त इहे सुठो लॻंदो। हिन में तव्हां चिकन बि एड करे सघो था। ठीकु आहे, इहे जो वेजिटेबल मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च, इसमें आप चिकन को बॉयल करें। ठीक है, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जिससे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। गाजर डाल दें, गाजर को आलू के साथ बॉयल करके हस्बे ज़रूरत ले लें। ठीक है, आज का सीज़न की गाजर आ रही है, लेकिन मीठी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी आ रही है। चिकन के 2 कप जितना चिकन बॉयल कर लें, सीने का पीस उसको शेडेड करके वो डाल दें, क्यूब्स करके वो डाल दें। इस तरह आप खुद अपनी वेरिएशन कर सकते हैं, वैरायटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि आलू टूट जाएंगे बॉयल हुए में। फुल डन है बॉयल। ठीक है, बस ये 2 मिनट पचाइण का पॉइंट के दम ते रखंदासीं। जंद विझंदासीं सावा मिर्च, सावा मिर्च 3 खां 4 अदद, वधीक न। ठीक आहे, वधीक तिखो भी न थी वञे। विच मां 2 कंदासीं, वॾा आहिनि त 2 खणी वठिजो, हीअ नंढा आहिनि त हिन में डंडी जी हटाई विच मां 2 करे वठंदासीं। ठीक आहे, 20 से 2 कटिंग करके, क्योंकि शिमला मिर्च है तो इसमें हरी मिर्च इस तरह मिलाएं कि नज़र आए, वरना वो क्या होता है कि जब आप बाइट ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो शिमला मिर्च के साथ वो हरी मिर्च भी चली जाती है, वो बहुत स्पाइसी होती है। या बच्चों को आप खिला रहे हैं तो हरी मिर्च या तो साबित डालें, मैं कट करके डाल रहा हूँ, खुशबू आने के लिए इसमें अच्छा सा अरोमा आ जाता है कट करने से जब दम पे जाती है, अदरवाइज़ आप इसमें साबित भी डाल सकती हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने हरी मिर्च डाल दी और गरम मसाला बिल्कुल लाइट सा 1 पिंच भर के। ठीक है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितरो गरम मसालो इनके मथा वेदो, इनके दम से रखंदी 5 मिनट, इनके मिक्स करे कटी वी बई रेसिपी थी वी तैयार। ठीक है, इजी एंड रेसिपीज। और आखिर में इनमें विझो अच्छो जीरो भुनियल कुटियल, फ्लेवर लाए तमाम बेहतरीन उनको फ्लेवर इंदो। अगर भाजियों जो ठाईंदा हो उनके सुठो फ्लेवर देने लाए अच्छो जीरो भुने एकड़ी बोतल में भरे रखी छोड़ो 50 ग्राम जितो 3-4 खंड जहाँ चमचा सेके तए के मथा उनके कुटे मोटो मोटो, बिल्कुल पाउडर न कजो जी मां कुटियो। ठीक है, बोतल में भरी रखी छोड़ो। कुछ भाजी अड़ी होंगी जो ठाईंदा उन मथा आखिर में विझी मिक्स करे कढंदो तो तमाम सुठो तांके फ्लेवर इंदो। कॉल वठो था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहां से बात कर रही हैं? हेलो भैया, सा के बताए तो वजन कम करने के साथ जी। हेलो जी, क्या कह रही हैं? अदी मुझे समझ ना पे तुम चो तक होल्ड से रहो, कंट्रोल रूम में बुधा छोड़ो, मुझे खबर पे वी। ठीक है, खाली बात तुम बुधी वो पे चाहो। हरा धनिया चॉप कर दिया मैंने, बस इसको हम डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। सिर्फ 5 मिनट इसको हमने दम पे रखना, उनका पोस मैसेजेस से इंदासी, जो मैसेजेस होंदा मुझे रिप्लाई कंदासी। ठीक है, हे असांजी शिमला मिर्च बस तैयार थी वही, इन का पॉइंट में विझंदी अच्छो जीरो भुनियल कुटो 4-5 मिनट का वधीक इनके नए दम ते रखो। वजन कम करण जे ला, ठीक है, मां तांके एकड़ो जूस बुधाया तो। ठीक है, मां ऑन एयर सबनीन के बुधाया तो, वो ठाई पियो डेली सुबह जो नाश्ते का पो या नहार मु पियंदो, उन का तांजो वजन घट थी वेंदो, 3 महीनन जे अंदर तांके तमाम फर्क पेजी वेंदो। ठीक है, अही आजमायल आहे मुझे सामू जे मानू ने आजमाया, मुझे फ्रेंड आए उन भी हु भी करे पियो डाइट, काफ़ी इन का काफ़ी उनके फर्क पियो, तकरीबन 13 kg उन 3 महीनन में घट करे छोड़ो। ठीक है, तो यो मां तांके बुधाया तो, जो जूस तमाम बेहतरीन आए, यो ड्रिंक ठांदी है। हाँ, मां सब बुधी वरतो, इतने भी कुछ आहिन मानू जिनके जरूरत है वो भी मां कया बुधाया तो। ठीक है, ये हो गई हमारी सब्जी तैयार, आलू शिमला मिर्च डाल लेते हैं डिश में, बिल्कुल सिंपल इजी और क्विक रेसिपी। बस आलू बॉईल करने का थोड़ा आपको टाइम लगेगा, 8-10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आपकी वेजिटेबल्स बस डालनी है और ये आपने निकाल लेना बना के। ठीक है, हे थी वही तैयार, कि थोड़ो क्लियर क्यों था मथा थोड़ा सावा धाणा विझंदासीं। ठीक है, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा,
इंशाल्लाह हाँ मच्छी जो सीजन भी अच्छे पे मच्छी जो काफ़ी सारी वैरायटी है जो मच्छी की भी ठाईदासी है सियारे जहाँ खाता जी तीन फरमाइशों में कोशिश क्या पे फरमाइशों गड गड पूरे कह रहा ताकि पाँची रेसिपीज तो ठाए पो लेकिन तक कॉल कह दिल से ऐसा आ प्रोग्राम तीन भी पैं फरमाइश में कोशिश कह पूरी क्या हल्का सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल दें बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है। शिमला मिर्च आलू हमारे हो गए तैयार ये रेडी हो गया। अब सेकंड रेसिपी पे आते हैं। सेकंड हमने जो बनाई थी लौकी चने की दाल अचारी दाल लौकी ठीक है जी। ब्रेक जो टाइम थे पे जब मैं इनके चेक किया तो अगर ज़रूरत होंगी तो इनके वरी दम से रखा वो शॉर्ट ब्रेक ब्रेकअप पूछे रेसिपी तेज वरी रिपीट कराइंदा वेलकम बैक नाज़िम। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं शिमला मिर्च आलू ठही वियो हिते अचारी दाल लौकी भी तयारु थी वई आहे ठीक आहे। अचारी दाल लौकी ज़बरदस्त तयारु थी वई आहे। हिन में असां विझंदासीं सावा मिर्च ऐं सावा धाणा। ढकु मूं हटाए छॾियो ताकी हिन में थोरो जेको पाणी आहे उहो ड्राई थी वञे बिल्कुलु ठीक आहे। वधीक खुश्क न आहे करिणो हल्की बाहि ते थोरी देरि जे लाइ मुंहिंजो ढकु हटायो 2-3 मिंट लाइ। बाक़ी लौकी गरी वई आहे लौकी खे चेक कजो लौकी गरी वई तव्हांजी रेसिपी तयारु थी वई आहे ठीक आहे। ब्राउनी जी जेका मां रेसिपी ठाही हुई ब्राउनी लाइ उर्दू में हुई सिंधी में हुई मूंखे ॿुधाइजो। अच्छा मैं उर्दू में बता देता हूँ ब्राउनी की रेसिपी आप सिंधी में भी समझी वेंदव उर्दू में भी ठीक है। ब्राउनी ला असा छा खायो मैदो 1 कप ठीक है। मैदो 1 कप और खंड हुई 2 कप ऑयल 1 कप खायो ठीक है। सभी का पहली छा कंदासी ऑयल प्याले में विझंदासी उनमें खंड विझंदासी 2 कप ठीक है। ऑयल प्याले में विधो 2 कप खंड विधी 2 कप खंड विझण का पो तांके बीटर से चंगी तरह बीट कंदो ऑयल में ठांदी ठीक है। ब्राउनी आपने ऑयल लिया 1 कप 2 कप चीनी डाली उसको अच्छी तरह बीटर से बीट करना है 4-5 मिनट तक ठीक है। बीट करने के बाद आपने इसमें क्या डालना है 4 अदद अंडे तोड़ के डालने हैं। 4 अदद अंडे आपने तोड़ के डालने हैं और उसको अच्छी तरह बीट करें साथ वनीला एक्सट्रैक्ट होता है वनीला एसेंस वो आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच। वो किस लिए होता है वो स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है अंडों में जो स्मेल आ रही होती है। अच्छी तरह उसको बीट करते रहें ठीक है। 1 कप ऑयल कुकिंग ऑयल ले लें और उसके साथ 2 कप चीनी डाल दें पीसी भी नहीं साबित जैसे चीनी दाने वाली वो डाल के अच्छी तरह बीट करें 4-5 मिनट तक। 4 अदद अंडे डालें अच्छी तरह बीट करें वॉल्यूम डबल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है उसमें आपने डाल देना है वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच ठीक है भर के डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है कॉफ़ी लेनी है कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच ले लें और 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच पानी में कॉफ़ी को डिजॉल्व करें वो भी मिक्स करें अंडों में और फिर उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें ठीक है बीट करें। बीट करने के बाद आपने क्या करना है मैदा लेना है 1 कप मैदा लेना है। 1 कप मैदे में आपने 1 पिंच सॉल्ट डालना है ठीक है। 1 पिंच सॉल्ट डालना है 1 कप मैदा लेना है उसमें आपने 1 पिंच या 2 पिंच नमक डालना है और कोको पाउडर आपने कितना लेना है 11 से 12 टेबल स्पून 12 कर लें या 11 टेबल स्पून कोको पाउडर मैदा कोको पाउडर और नमक ये तीनों पाउडर आपस में मिक्स करें और जो बीट किया हुआ मिक्सचर था उसमें डाल दें। उसमें डाल के अच्छी तरह उसको स्पून से फोल्ड करें मिक्स करें फिर दोबारा उसको अच्छी तरह बीटर से बीट करें क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो गया आपको क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा उसके क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद है ना फिर आपने क्या करना है एक ट्रे ले लें ठीक है। ये जो होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं मोल्ड होते हैं स्क्वायर में भी मिल जाते हैं अगर वो नहीं है तो घर में जो बर्फ़ जमाने का सांचा होता है जिसमें हम सिल्वर का सांचा होता है वो ले लें कोई ज़रूरी नहीं कि आप वो ढूंढती रहें ठीक है। उसमें भी आपने ग्रीस करना है ऑयल से बटर पेपर लगा दें या ब्राउन पेपर लगा दें उसको भी ऑयल से ग्रीस करें। उसके बाद सारा मिक्सचर डाल दें मिक्सचर डालने के बाद उसको 1-2 दफ़ा झाड़ दें। उसके बाद प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट पहले आपने ओवन गर्म करना था ठीक है। प्री हीट करना है 180 डिग्री पे इलेक्ट्रिक ओवन था। अगर आपने गैस ओवन में बनाया था 200 पे आपने या 190 पे आपने ओवन को प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट पहले। सांचा अंदर रख दें उसके बाद आपने 30 मिनट छोड़ देना है उसको टेम्परेचर पे बेक होता रहेगा। 30 मिनट बाद छुरी की नोक से आपने चेक करना है अगर गीली नोक निकल रही है तो 4-5 मिनट 8 मिनट और दे दें ज़्यादा ब्राउन ना हो ज़्यादा ऊपर से जले ना वो कड़वाहट आना छू जाएगी ठीक है। फिर आपने इसको चेक करना उसके बाद निकाल के ठंडा करके इसके पीसेस करके काट देने। अगर पतीले में बना रहे हैं बड़ा पतीला लें बड़े साइज़ का नमक 1 किलो की पैकेट मिलती है नमक उसके अंदर बिछा दें गरम करें नमक को अच्छी तरह। उसके बाद उल्टी प्लेट स्टील की रख दें या स्टैंड जो होते हैं जिसमें हम सालन रखते हैं पतीले वो छोटे स्टैंड स्टील के घर में होते हैं जी वो स्टील का स्टैंड रख दें या प्लेट उल्टी करके प्लेट रख दें स्टील की उसके ऊपर वो सांचा रखें ऊपर कवर कर दें पतीले को और
उसको 35 से 40 मिनट बाद आप चेक करेंगे, मीडियम आंच पे उसको पकने दें। नीचे नमक होगा तो वो जलेगा भी नहीं और अच्छी इसमें हीट बनती रहेगी तंदूर की तरह। बेक हो जाए निकाल के एक घंटा ठंडा करें, उसके बाद कटिंग करके निकालें। कॉल बैठ होता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप? ठीक? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर काइंडली मेरा चिकन कढ़ाई की रेसिपी रिपीट कर दीजिएगा। मैं समटाइम बनाता हूँ तो वो मतलब प्रॉपरली बन नहीं पाती, तो वो टेस्ट नहीं आता। चिकन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई। चले ठीक है, मैं देखता हूँ अगर टाइम है तो मैं रिपीट करा अभी आपको। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, इसमें हमने हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें क्योंकि मैंने इसमें पकानी नहीं है, स्पाइसेस वैसे इसमें डले हुए हैं, हरी मिर्चें वैसे ही कच्ची मैंने डाल दी, मिक्स कर दी हैं, इसका एक अपना फ्लेवर आता है। ठीक है, हरा धनिया डाल दिया और इसको मिक्स करने के बाद हमने बॉल में निकाल देना। ठीक है, इसको भी डिश आउट कर देते हैं। अचारी दाल लो की, इनके भी सेट करे बैठो। बेहतरीन रेसिपी है, बस लोकी गरी बने ताजी रेसिपी तैयार थी भाई। ठीक है, इसको आप नान के साथ, सफ़ेद चावल के साथ, जैसे आपको अच्छी लगे आप सर्व करें। लोकी खानी चाहिए, बहुत अच्छी है ये, बहुत इसकी फ़वाद भी बहुत ज़्यादा है, वैसे सुन्नत है ये खाना, तो अच्छा है आप इसको बनाएं डिफरेंट तरीके से। सादी नहीं लाइक करते लोग, काफ़ी घरों में नहीं लाइक करते, इस तरह अचारी लोकी आप बनाएं तो बच्चे भी शौक से खाएंगे। ठीक है, ये हमारी दो रेसिपीज़ डन हो गई हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ब रेसिपीज थी हुई तैयार आई हाने असां। अच्छा, चिकन कढ़ाई का मैं बताता हूँ। चिकन कढ़ाई के लिए आपने आधा किलो की रेसिपी बता रहा हूँ। ठीक है, आधा किलो आपने चिकन लेना है, आधा कप ऑयल गरम करें, उसमें आपने चिकन को फ्राई करना है। ठीक है, पहले चिकन को धोएं, छन्नी में रखें ताकि उसका पानी निकल जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने चिकन को आपने फ्राई करना है 5-6 मिनट तक, जब उसके ऊपर लेयर आ जाएगी, गोल्डन क्रिस्पी सी कलर आ जाएगा, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। ठीक है, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर के डालें और उसको हल्का सा भूनें। भूनने के बाद आपने क्या करना है, 4 अदर टमाटर ले लें या 6 अदर टमाटर, दरमियाने साइज़ के तो 6 अदर ले लें, बड़े हैं तो 4 टमाटर ले लें, उसको बीच से 4 पीस कर लें। ठीक है, टमाटर को 4 कर दें बीच से, हाँ। उसके बाद आपने हरी मिर्च डाल देनी है। ठीक है, हरी मिर्च आपने 1 अदर चॉप करके डाल देनी है, साथ कवर कर दें। टमाटर आपके गल जाएंगे, ठीक है, टमाटर जब आपके गल जाएंगे 5 से 8 मिनट बाद, फिर उसके छिलके चिमटे से उठा लें, अगर नहीं तो उसको वैसे ही भून लें। फिर उसमें कुटी लाल मिर्च डालें, उसमें 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय के चम्मच से कम, हसबे जोर कूट के डालिएगा, काली मिर्च फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, उसको फिर भूनें अच्छी तरह, तेज़ आँच पर फ्लेम पर आपने भूनना शुरू कर देना। ठीक है, भूनते रहेंगे वो आप देखेंगे कढ़ाई की शक्ल आने लगी। उसके बाद तवे पे 1/2 चाय का चम्मच साबित धनिया, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये आपने भून लेना है, भून के उसको कूट लेना है, कूट के आपने वो उसमें डाल देना है। कसूरी मेथी होती है हर घर में, वो 1/2 चाय के चम्मच से कम हाथ से मसल के उसके अंदर डाल दें। ठीक है, उसके बाद कसूरी मेथी डालने के बाद आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हरी मिर्चें 20 से 2 कर दें, 4 हरी मिर्चें लें, लंबाई में 20 से 2 कट करें, हरी मिर्चें डाल दें, कवर करें 3 से 4 मिनट, खुशबू आने लगेगी हरी मिर्चों, कलर चेंज होगा, उसको निकाल लें। डिश में निकाल के हरा धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून से कम गरम मसाला डाल दें, हरा धनिया डाल दें, लेमन जूस थोड़ा सा ऊपर से डाल दें और उसको आपने और अदरक के पार्चे करके आप डिश आउट कर लें। ठीक है, अगर समझ ना आए तो आप फिर मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इनबॉक्स बता दूंगा। ठीक है, खुशी कुरैशी जो मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप, कैसे हैं भाई, क्या है, शिमला मिर्च आलू की रेसिपी रिपीट करें। शिमला मिर्च आलू की रेसिपी मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट की थी, सुबह 11:05 पर रिपीट चलेगा। ठीक है, फिज़ाइन आज शो पे कॉल नहीं लग रही, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई बाद में करूँगा, सुबह 11:05 पर रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ पे ये रेसिपी अपलोड जाए, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल सिन टीवी HD, यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियो मिल जाएगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक काफ़ी सारी वैरायटी तहांजे फरमाइश के मुताबिक इंशाल्लाह अगले हफ्ते वरी मुलाकात थी, दुआओं में याद रखो जो तेसाई, अल्लाह हाफिज़।